यूक्रेन की स्थिति खराब होने के कारण मुरादाबाद मंडल के बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इसी कारण से अभिभावकों द्वारा बच्चों को जल्द से जल्द भारत बुलवाने को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से भारत सरकार को एक प्रार्थना पत्र भेजा गया। प्रार्थना पत्र के माध्यम से कहा गया कि नावेद यूसुफ पुत्र यूसुफ, मोहम्मद अमान पुत्र मोहम्मद शाकिर, जो कि यूक्रेन की आक्रियो यूनिवर्सिटी से मेडिकल MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं, यूक्रेन में युद्ध हो जाने के कारण बच्चों के अभिभावकों द्वारा चिंता जताई गई, जिस कारण उनके परिवार में चिंता बनी हुई है। इन सभी बातों को लेकर बच्चों के अभिभावकों द्वारा भारत सरकार को जिला अधिकारी के माध्यम से प्रार्थना पत्र भेजा गया है। मैं काट तहसील के उमरी कला कस्बे से आया हूँ। हमारा भाई MBBS की पढ़ाई यूक्रेन में कर रहे हैं। ये यूसुफ भाई हैं, इनका बेटा भी MBBS की पढ़ाई यूक्रेन में कर रहा है। फर्स्ट ईयर के अभी 3 महीने पहले ही गए हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। और जैसा कि आप लोगों को सबको पता है, ये रूस में और यूक्रेन में तकड़ा विवाद चल रहा है, जंग चल रही है, युद्ध हो रहा है, जिससे वहाँ संकट बना हुआ है। हमारे बच्चे वहाँ परेशानी का सामना कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं। हमारी भारत सरकार से अपील है, मोदी जी से अपील है, रक्षा मंत्री भारत के डिफेंस मिनिस्टर से अपील है, और जी फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी से हमारी अपील है कि हमारे बच्चों को जल्द से जल्द सेफ हिंदुस्तान भेजा जाए, हमारे घर भेजा जाए। और जी हमारी मातृका, हमारी बहनों का और भाइयों का बुरो बुरा हाल है, क्योंकि वहाँ भीषण स्थिति बनी हुई है। इसलिए इसी संबंध में हम यहाँ आए थे। DM साहब को ज्ञापन भी देंगे हम, और अभी हमने एप्लीकेशन लिखी है, इसी संज्ञान में हम मामले में आए हैं। और जी हमारी भारत सरकार से अपील है, बहुत बहुत अपील है, कि वो हमारे बच्चों को जल्द से जल्द सुरक्षा भारत में पहुँचाया जाए।